अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी करें। आज मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब की जो फ़्लाइटें हैं जो बंद की गई थी, जो फ़जाई ऑपरेशन था इनका जो बंद की गई थी, उसके हवाले से जो है मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है वो बंद की थी, जो कोरोना की सूरत हाल है, जो केसेस वो पूरी दुनिया के अंदर वो बढ़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस वक्त जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से जो है सऊदीया के अंदर भी, तो सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, चाहे वो बरी हों, चाहे वो फ़जाई हों, चाहे वो बहरे रास्ते से जो भी लोग आते थे जो कि सऊदी अरब के अंदर, तो उन पर जो है पाबंदी लगा दी वो गई थी। और इस पाबंदी के हवाले से जो है तरह तरह के जो है सोशल मीडिया पर जो है ख़बरें आती हैं और वो कह रहे हैं कि अभी कल बहाल हो रही हैं या परसों हो रही हैं या फला तारीख को हो रही हैं, तो जो लोग बाहर गए हुए हैं तो वो जो है फिर उनको जहनी वो तकलीफ़ भी होती है, वो बहुत ही वो परेशानी की हालत में भी हैं, और जो जिनकी छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है चाहे इंडिया से है। 20 ममालिक पर जो है ये पाबंदी लगाई गई थी सऊदी हुकूमत ने कि भी उनके लोग जो है यहाँ पर नहीं आ सकते, और उनमें जो है पाकिस्तान इंडिया ये शामिल वो थे। और अब जो है सऊदी एविएशन जो है उसने जो है अब ये कहा है कि भी 17 मई तक जो है ये बहाल की जाएंगी, जो फ़्लाइट्स हैं इनको जो है बहाल वो किया जाएगा। वो अरब मीडिया के मुताबिक जो है जो उन्होंने वो बताया है जो सऊदी हुकाम के हवाले से है, तो उन्होंने कहा कि अभी सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल बैन अल-अक़वामी फ़जाई ऑपरेशन जो है ऑपरेशन को बहाल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद 17 मई से बैन अल-अक़वामी जो हैं वो परवाज़ें वो चलाई जाएंगी। और सऊदी हुकूमत ने पहले जनवरी और फिर 31 मार्च से बैन अल-अक़वामी वो परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन अब सिविल एविएशन के सर्कुलर में जो है ये तारीख मज़ीद बढ़ाई गई है कि सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने तस्दीक के सिलसिले में मकामी एयरपोर्ट्स को सर्कुलर भी वो जारी किया गया है कि अब बैन अल-अक़वामी परवाज़ें 31 मार्च की बजाय 17 मई से परवाज़ वो करेंगी, और ये जो ऑपरेशन है फ़जाई ऑपरेशन है 17 मई को जो है बहाल वो किया जाएगा। सऊदी एविएशन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि जिन ममालिक में वो करोना वायरस की सूरत हाल अब भी ख़राब है और वहाँ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया जा सकता है। अरब मीडिया का बताना है कि सऊदी अरब का जिन ममालिक यानी अरब में करोना वबा की वजह से बंद लोकल वो फ़जाई ऑपरेशन में जो है तेज़ी से जो है बहाल किया गया और मुल्क भर में मकामी सतह पर हफ्तावार वो परवाज़ों की तादाद जो है 3000 से तजावज़ वो कर चुकी है, जो कि दाखले वो परवाज़ें हैं सऊदी अरब की के भी रियाज से जद्दा, जद्दा से रियाज, और इसी तरह जो वो दाखली हैं वो सऊदी अरब के अंदर वो परवाज़ें उनके हवाले से जो है यानी 3000 से भी ज़्यादा वो दिल्ली की यानी वो परवाज़ें हो चुकी हैं वो जाती हैं यानी। तो अब सूरत हाल ये है कि भी जो लोग सऊदीया से बाहर हैं छुट्टियों पर वो गए हुए हैं और वो जो है सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनको अब 17 मई तक जो है इंतज़ार वो करना पड़ेगा। और पहले तो ये इतला थी आ रही थी कि भी जो है सऊदी गवर्नमेंट वो सोच रही है, लेकिन वो कोरोना के हालात की वजह से जो है ये फ़्लाइट ऑपरेशन में मज़ीद ये जो बंद किया गया है इसमें मज़ीद जो है तोसी अब वो कर दी गई है 17 मई तक, और 17 मई को जो है अब ये ऐलान किया गया है सऊदी एविएशन के हवाले से कि भी 17 मई को फ़जाई ऑपरेशन बहाल वो कर दिया जाएगा। और जिन ममालक के अंदर वो कोरोना की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा वो ख़राब होगी तो उस पर जो है वहाँ पर जो है पाबंदी रहेगी। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि भाई ये जो करोना वबाई मर्ज़ आया हुआ है इससे छुटकारा मिले, जो वो परेशानियाँ हैं लोगों को, ये परेशानियाँ हैं आवाम को, जो लोग बैर गए हुए हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की इन वो परेशानियों को दूर करे। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे
चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हर तकलीफ़ व बलिया से महफूज रखे।